Hello students, well let's learn about solid, liquid and gases. Well हमारे आसपास तो बहुत सारी चीजें रहती है ना, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, जो भी मैटर है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग जानेंगे, ठीक है। और हम लोग ये जानेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हम जो है मैटर के थ्री स्टेट्स के बारे में जानेंगे, कैसे मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है वो जानेंगे, इसके अलावा जो है हम लोग सॉल्यूशन वगैरह सब के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए पहले हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करें। अब तो हम लोग अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, राइट, जैसे कि बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, पेंस। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये डिफरेंट मटेरियल्स से बनी हुई हैं, ओके। जैसे कि बिल्डिंग जो है वो ब्रिक्स और सीमेंट वगैरह से बना है, फर्नीचर जो है वो वुड, ग्लास या मेटल से बना है, बुक्स जो है वो पेपर से बने हैं, क्लोथ्स जो है वो फाइबर से बने हैं, राइट, टॉयज और पेन जो है वो प्लास्टिक या फिर मेटल से बने हुए हैं। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास है वो किसी न किसी तरह के मटेरियल से बना हुआ है। अब ये मैटर है क्या? तो कोई भी चीज जिसका कि मास और वॉल्यूम होता है वो मैटर कहलाता है, ओके। तो कितना मैटर, किसी ऑब्जेक्ट में कुल कितना मैटर है वो कहलाएगा इसका मास। यानी कि अगर कोई वुडन चेयर है तो वुडन चेयर का मास क्या होगा? तो जितना वुड है इसमें वो इसका मास कहलाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि एक ग्लास में जो है आपने जो है क्या कह सकते हैं कि ग्लास टम्बलर होता है ना, टम्बलर बेसिकली वो हुआ जैसे कि हम पानी पीते हैं, नॉर्मली हम लोग उसी को ग्लास कहते हैं। लेकिन कांच का अगर कोई टम्बलर है तो उसका मास क्या होगा? तो वेल उस टम्बलर को बनाने में जितना ग्लास लगा ना तो वो उसका मास कहलाएगा। नॉर्मली हम लोग जो है मास को किलोग्राम में जो है इसका वजन कर लिया करते हैं, राइट। दूसरी तरफ वॉल्यूम क्या है किसी ऑब्जेक्ट का? तो वॉल्यूम वो चीज हो गया जितना जगह वो घेरता है ना वो इसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो मास और वॉल्यूम का फर्क समझे कि नहीं? अब इसे मान लीजिए कि एक इतना बड़ा जो है लोहे का डब्बा है, ठीक है। तो इतना बड़ा डब्बा अगर है और इसको अगर हम तोले और इसका वजन अगर आधा किलो आता है, 500 ग्राम आया, तो चलिए ये मान लिए कि ये इसका मास हो गया। लेकिन इतना बड़ा डब्बा जो है वो जितना स्पेस घेरता है वो कहलाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो मास हो गया कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर मौजूद है, दैट इज मास, और उस सामान ने कितना जगह घेरा वो हो गया इसका वॉल्यूम। अब देखिए ये जो मैटर होता है, कोई भी मैटर, जब हम मास की बात करते हैं ना तो कोई भी जो मैटर है उसका जो मास होता है वो मास एक्चुअली बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, और ये जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, दे आर सो स्मॉल। और ऐसे ही मॉलिक्यूल्स से मिलकर हमारे आसपास के सारी चीजें बनी हैं, ओके। मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर का ही अगर सबसे छोटा मॉलिक्यूल देखेंगे ना तो उसमें भी जो है तीन एटम होगा, दो हाइड्रोजन का एटम होगा और एक जो है ऑक्सीजन का एटम होगा, ठीक है। और उस छोटे से मॉलिक्यूल्स को ढेर सारी मात्रा में जब जमा करिएगा तो थोड़ा सा वाटर का ड्रॉप आपको दिखेगा, ओके। तो चलिए हम लोगों ने क्या जाना अभी तक कि जितना भी हमारे आसपास का मैटर है, मैटर में दो प्रॉपर्टी होगी, इट विल हैव मास एंड इट विल हैव वॉल्यूम। मास का मतलब हो गया कि इसके अंदर कितना मैटर मौजूद है, राइट, और वॉल्यूम हो गया कि ये कितना जगह घेरता है। अब ये मैटर जो है वो आपको थ्री स्टेट्स में मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और हर एक स्टेट की अलग प्रॉपर्टीज है, और इनमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट भी जो होता है वो डिफरेंट होता है। सबसे पहले हम सॉलिड की बात करें तो ये जो स्टेट ऑफ मैटर है ये नॉर्मली हार्ड होता है और इसमें जो है मैटर का शेप फिक्स होता है, ये एक डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इसलिए इसका डेफिनेट जो है वॉल्यूम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक बुक को हम यहाँ पर रख दें तो क्या रखे रखे उस बुक का साइज बढ़ेगा? नहीं, यानी कि इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स हुआ। ये बुक जितना जगह घेर रखा है क्या 10 मिनट के बाद ये ज्यादा जगह घेरेगा? नहीं, तो यानी कि इसका स्पेस भी जो है वो भी डेफिनेट है। बुक को अगर यहाँ पर, इस बुक को अगर हम रखा हुआ है तो ये बुक क्या खड़े यहाँ पर जो है, अगर इस बुक को हम एक ग्लास में डालेंगे तो क्या ये ग्लास के शेप का हो जाएगा ये बुक? नहीं, जो इसका शेप है वही शेप रहेगा, तो यानी कि इसका शेप भी जो है वो फिक्स है। तो इस तरीके से सॉलिड जो है उसमें क्या होता है, तो मैटर का
फिक्स शेप होगा, नॉर्मली हार्ड होगा, ये डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा। तो फुटबॉल, पेंसिल, बुक, चेयर, जितना भी चीज़ है, सब इसका हुआ उदाहरण। तो सॉलिड्स जो होते हैं, तो ये भी आई मीन जितना भी मैटर आपके आसपास है वो किस चीज़ से बना हुआ है? मॉलिक्यूल्स से। तो सॉलिड में ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और इसलिए ये इधर उधर जो है भाग नहीं सकते हैं। अब इसे मान लीजिए कि ये अगर एक स्पेस हुआ, ठीक है, और इस स्पेस में अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड जो है बिल्कुल इस तरह से जो है टाइटली पैक्ड होगा। तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर उधर जो है भाग नहीं पाएगा। अब चूंकि ये इधर उधर भाग नहीं पाएगा तो इस वजह से इसका शेप जो है वो जल्दी नहीं बदलेगा, है ना। इसको आप बैग में डालिए या कहीं और डालिए, इसका शेप जो है वो नहीं बदलेगा और इसका साइज भी जो है वो नहीं बदलेगा। ऑफ कोर्स कुछ सॉलिड है जिनका कि शेप बदल सकता है फोर्स अप्लाई करने पर, जैसे कि क्ले डो वगैरह, लेकिन नॉर्मली जो है कम से कम इनका जो है नॉर्मली आपका शेप जो है इसका नहीं बदलता है। अब आगे बात करें अगर हम लिक्विड्स की, तो लिक्विड जो है वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसका कि फिक्स्ड शेप नहीं होता है। आप इसको जिस तरह के कंटेनर में डालिएगा ये उसी की शेप ले लेता है, ओके? लेकिन सॉलिड्स की तरह ही लिक्विड जो है वो भी डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप एक लोटा, आई मीन मान लीजिए कि ये एक कंटेनर हुआ, सॉरी लेट मी पिक यू नो लाइक नैरोअर पेन, या तब जैसे मान लीजिए कि ये एक कंटेनर हुआ, दूसरा कंटेनर ये हुआ और तीसरा कंटेनर जो है वो ये हुआ। अब इसमें जब आप लिक्विड को भरिएगा तो वो इस शेप में पानी हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। वहीं अगर आप इस वाले शेप इस वाले में डालिएगा तो ये शेप ले लेगा वो वाटर लिक्विड, और जब इस वाले बर्तन में डालिएगा तो वो इसका शेप ले लेगा। यानी कि लिक्विड को आप कैसे भी कंटेनर में डालिए वो उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। तो यानी कि लिक्विड का फिक्स्ड शेप नहीं होता, लेकिन जितना लिक्विड आप इसमें डालिएगा, अब उसको अगर इस बर्तन में भी डालिएगा तो भी ऐसा नहीं है कि वो इस पूरे बर्तन को भरेगा। जितना लिक्विड इसमें, अगर इसमें मान लीजिए कि इतना लिक्विड था, तो ऐसा नहीं कि इस बर्तन में डालने पर जो है ये इतना हो जाएगा, नहीं, इसमें भी वो जितना लिक्विड है उतना ही रहेगा, इसमें डालने पर भी जो है वो उतना ही रहेगा। एक लोटा पानी लेके आप उसको जो है लोटे से जो है आप बड़े बोतल में डाल दीजिए, या फिर जो है लोटे से आप उसे बड़े जो है एक पॉट में डाल दीजिए, किसी भी बर्तन में डालिए, वो पानी कितना रहेगा? एक लोटा ही रहेगा ना। तो यानी कि लिक्विड भी जो है वो डेफिनेट स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा, उससे ज़्यादा जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। तो ये हो गई लिक्विड की खासियत। तो इसलिए लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होगा। 1 लीटर दूध को आप लोटा में रखो, है ना, पॉट में रखो या पेट में रखो, हाँ, लिक्विड 1 लीटर 1 लीटर रहने वाला है, वॉल्यूम उसका जो है वो फिक्स रहेगा। तो मिल्क, वाटर, जूस, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए। तो ये जो लिक्विड वगैरह जो होते हैं इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर यही स्पेस हम लिए तो इसमें जो है इनका मॉलिक्यूल जो होगा वो लूजली पैक्ड रहेगा। जैसे कि अभी एक यहाँ रहा तो एक जो है यहाँ रहा, एक यहाँ रहा, एक यहाँ रहा, तो यानी कि ये जो है हल्का फुल्का जो है वो इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो इसलिए लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है, ओके? और हम जो है इसे पकड़ के, मुट्ठी में पकड़ के नहीं रख सकते हैं, लिक्विड जो है वो इधर उधर भागेगा, लेकिन वॉल्यूम इसका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अब अगला एक्टिविटी है गैस, अगला स्टेट ऑफ मैटर हो गया। तो गैस वो स्टेट ऑफ मैटर है जहां पर ना तो फिक्स्ड शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि परफ्यूम वगैरह ही स्प्रे करते हैं, तो परफ्यूम तो थोड़ी दूर में आप स्प्रे करते हैं ना, लेकिन काफी दूर तक उसका सेंट धीरे धीरे फैल गया, तो मतलब क्या हुआ कि गैस फॉर्म में जो है ये परफ्यूम का जो पार्टिकल है वो पूरे कमरे में फैल गया, तभी ना वो खुशबू आप तक पहुंच गई। तो लिक्विड से डिफरेंट गैसेज जो है वो जिस किसी भी कंटेनर में आप डालिएगा गैस को, तो गैस के पार्टिकल्स जो है वो फैल के पूरे स्पेस को भर देते हैं, ओके? फॉर एग्जाम्पल जब आप फुटबॉल में हवा भरते हैं, है ना, तो जो हवा फुटबॉल में प्रेशर डाल डाल के भर दीजिएगा तो वो हवा किस में, किसके अंदर पैक है? अब फुटबॉल में। लेकिन वही जो है वो हवा ऐसा नहीं है किसी एक हिस्से में रहेगा, ये पूरे फुटबॉल में ये हवा फैल जाएगी।
उसी फुटबॉल को अगर आप किसी बड़े कंटेनर में डाल के उसमें फोड़ दीजिएगा तो वो हवा उस बड़े कंटेनर में फैल जाएगी, समझ गए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसेज के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये बहुत लूजली पैक्ड होते हैं और ये बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं। तो चूंकि ये फ्रीली मूव करते हैं तो इसलिए जो है ये आराम से इधर उधर जो है वो मूव कर सकते हैं, और जितना स्पेस मिलेगा ना उतने स्पेस को ये भर देंगे। तो मान लीजिए जैसे ये वाला स्पेस था तो ये गैस पार्टिकल्स, सॉरी है ना, मान लीजिए कि ये जो है गैस पार्टिकल इस तरह से काफी दूर दूर में होते हैं। अब अगर इससे भी बड़ा स्पेस आप ले लीजिए और इतने ही गैस को अगर आप इसमें रिलीज करिएगा तो फिर यही 10 पार्टिकल्स जो है वो इस पूरे स्पेस को भी भर देंगे, ठीक है? इसके लिए आपको अलग से पार्टिकल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गैस का ना तो फिक्स शेप है और ना ही गैस का फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है? अब आगे देखिए कि कोई भी मैटर जो है उसका स्टेट फिक्स नहीं होता है। ये तीनों जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये इंटरचेंजिएबल हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल सकते हैं। ओके, तो सॉलिड जो है इसे लिक्विड में चेंज किया जा सकता है, लिक्विड जो है वो गैस में बदल सकता है। सिमिलरली गैसेज जो है इनको आप लिक्विड में चेंज कर सकते हैं और लिक्विड को आप सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो ये स्टेट ऑफ सब्सटेंस जो है पदार्थ का, जो किसी भी सब्सटेंस का जो स्टेट है सॉलिड लिक्विड एंड गैस वाला, तो ये जो है हीटिंग या कूलिंग के प्रोसेस के जरिए ये चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को गर्म किया जाता है तो इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लेस पैक्ड हो जाते हैं, लेस क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, ज्यादा तेजी में इधर उधर भागने लगते हैं और सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल जाता है। फिर जब ज्यादा हीट आप प्रोवाइड करिएगा तब तो क्या होगा, तो मॉलिक्यूल जो होगा वो ज्यादा लूजली पैक्ड होगा और लिक्विड जो है वो किस में बदल जाएगा, अब गैस में बदल जाएगा। सिमिलरली जब आप गैस को कूल करिएगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आसपास आएंगे और सब्सटेंस जो है वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। इफ अगर आप और ज्यादा ठंडा करिएगा तो मॉलिक्यूल्स जो है वो और पास आ जाएंगे और फिर जो है वो सॉलिड स्टेट में बदल जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जहां पर कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदलता है हीट करने पर, इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। फॉर एग्जाम्पल आइस क्यूब्स को अगर आप बाहर में रख दें थोड़ी देर के लिए तो ये पानी में बदल जाता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आसपास की गर्मी जो है इसे मिलती है और उस गर्मी की वजह से ये सॉलिड से किस में बदल गया, लिक्विड में, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, वेल मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब इन दिस केस। दूसरी तरफ वो प्रोसेस जिससे लिक्विड जो है वो गैस में बदल जाता है हीट करने पर, ये प्रोसेस कहलाता है इवेपोरेशन। फॉर एग्जाम्पल जब पानी को आप गर्म करिएगा, हीट करिएगा, तो ये स्टीम में या वाटर वेपर में बदल जाता है ना, भाप में बदल जाता है ना। तो वाटर वेपर जो है वो वाटर का गैसियस स्टेट है, यानी कि गैस वाला फॉर्म है, राइट? तो वाटर से या लिक्विड वाटर से जो वेपर में बदला, यानी कि गैस वाले फॉर्म में बदला, इस चेंज को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। अब गैस जो है वो ठंडा होने पर लिक्विड में बदलता है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल जब स्टीम को ठंडा करिएगा तो ये जो है छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, बारिश भी इसी प्रोसेस से होती है ना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। दूसरी तरफ वो प्रोसेस जिससे लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है ठंडा करने पर, इसे कहते हैं फ्रीजिंग। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर को जो है फ्रीजर में 1-2 घंटे के लिए रख दीजिए और ठंडा करिए तो वाटर किस में बदल जाता है, आइस में बदल जाता है ना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्रीजिंग। तो इस तरह से मैटर जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन की। ओके, अब क्या होगा अगर हम पानी में चीनी डाल दें? आप सब जानते हैं कि अगर हम पानी में चीनी मिलाएंगे तो क्या होगा, शरबत बनेगा, है ना? आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं कि ग्लास, एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें जो है 1 चम्मच चीनी डालिए और मिलाकर देखिए क्या होगा। धीरे धीरे आप नोटिस करिएगा कि चीनी जो है वो दिखना बंद हो गया, चीनी जो है वो गायब हो गया,
राइट। तो यहां पर जो है सुगर जो है वो क्या होता है, तो वाटर के साथ वाटर में घुल जाता है, डिजॉल्व कर जाता है, राइट। तो सुगर जो है वो सॉल्यूट हुआ जो कि डिजॉल्व होता है, और किस चीज में डिजॉल्व होता है, वो वाटर में डिजॉल्व होता है, तो वाटर जो है वो कहलाएगा सॉल्वेंट। ओके, अब वाटर में सुगर के डिजॉल्व होने के बाद जो लिक्विड है वो कहलाएगा सॉल्यूशन, और वो जो है सुगर और वाटर का सॉल्यूशन हुआ। अब आप समझ गए, सॉल्यूशन वो हुआ जहां पर कि एक लिक्विड में कोई दूसरा मैटर जो है वो डिजॉल्व होता है, घुलता है। जो मैटर डिजॉल्व होता है वो कहलाता है सॉल्यूट, जैसे कि शरबत में चीनी, और जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है वो कहलाता है सॉल्वेंट, जैसे कि शरबत में वाटर, राइट। तो नॉर्मली जो है सॉलिड अगर पाउडर वाले फॉर्म में रहे तो इसको डिजॉल्व करना आसान होता है, हिलाते रहते हैं लिक्विड को तो इससे भी जो है डिजॉल्व करने का प्रोसेस जो है वो आसान हो जाता है। और वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि किसी भी लिक्विड की तुलना में ये सबसे ज्यादा सब्सटेंसेज को अपने में डिजॉल्व कर लेता है। अब एक चीज ध्यान रख लीजिए कि जितने भी सॉल्यूट्स होंगे वो हमेशा सॉलिड ही नहीं होंगे, और जितने सॉल्वेंट्स हैं वो हमेशा लिक्विड नहीं होंगे। सॉल्यूशन जो है उसमें जो है आपको डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर मिल सकता है, सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड एंड गैस, सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब एक और सवाल उठता है कि जब हम पानी में चीनी मिला के घोलते हैं तो क्या वाटर का वॉल्यूम जो है वो चेंज होता है? आप इसके लिए एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप जो है ग्लास बीकर लेके और साइड में मार्क कर दीजिएगा, पानी डालिएगा और वहां पर चिन्ह लगा दीजिएगा, और फिर इसमें जो है कुछ चीनी डाल के उसको मिलाइएगा। क्या लगता है आपको क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? आप पाइएगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम रह जाएगा, चीनी पूरी घुल जाएगी जब तो वाटर का वॉल्यूम सेम रह जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने देखा था ना कि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस खाली रहता है ना, राइट। तो जो स्पेस खाली रहता है तो सुगर का मॉलिक्यूल जो है वो उसी एम्प्टी स्पेस में जो है सेट हो जाएगा, उसे एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरीके से वाटर का वॉल्यूम जो है वो सेम रह जाएगा। सो नाउ यू कैन यू नो लाइक ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चंस एंड चेक योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। इस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि मैटर बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जिसका कि मास हो और जिसका वॉल्यूम हो वो मैटर कहलाता है। मास यानी कि मैटर मटेरियल कितना है उस चीज में, और वॉल्यूम मतलब कि वो कितना जगह घेरता है। मैटर तीन फॉर्म में मिलता है, तीन स्टेट में, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का डेफिनेट शेप होगा और डेफिनेट वॉल्यूम होगा, लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम इसका जो है वो डेफिनेट होगा। गैसेज का जो है डेफिनेट ना तो शेप होता है और ना ही इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। सो वेल दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। नाउ यू कैन ट्राई दिस चैप्टर एंड एक्टिविटीज टू फर्दर यू नो स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग, एंड आई एम श्योर आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा सब कुछ। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू।